नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज यूपी 3SSC को लेकर आज एक बड़ी खबर है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अखबार में भी आया और शाम तक आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या होगी, हाई कोर्ट के हुए आदेश, देनी पड़ेगी इस विभाग को ज्वाइनिंग, ठीक है। देखिए, किस विभाग को यूपी 3SSC ज्वाइनिंग देने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हो चुके हैं तो इसलिए उन्हें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ज्वाइनिंग हमें किस विभाग को देनी पड़ेगी। सरकार को मिली लैब टेक्नीशियन के खाली पदों को भरने की छूट। यूपी 3SSC में देखिए, इलाहाबाद के हाईकोर्ट राज्य सरकार को चयनित 729 लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की छूट दे दी गई है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हाईकोर्ट ने यह छूट राज्य के कोरोना वायरस की जाँच के लिए लैब टेक्नीशियन में स्टाफ की कमी को देखते हुए कहा गया है। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से गवर्नमेंट जो है ज्वाइनिंग देने की बात कर रही है, ठीक है। जैसे कि इंजीनियर्स हुए और जैसे कि हम जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हुए, उनको ज्वाइनिंग देने की बात कहीं भी नहीं की जा रही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतिम निर्णय जो है निर्भर करेगा यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेर ने नमित कुमार पांडे व अन्य की याचिका पर दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर साफ तौर पर रास्ता साफ कर दिया गया इस चीज़ के। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियां हाई कोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेंगी, पर मात्र COVID-19 की वजह से उत्पन्न आपात स्थिति को देखते हुए इस निर्णय को जल्दी से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, संक्रमण की वजह से जो लैब टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सरकार के पास वैसे ही कमी थी। लैब टेक्नीशियन की 921 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उस पर हाईकोर्ट के अंतरिम में रोक लगा दी गई थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंतरिम आदेश के संशोधित करने की मांग उसमें की गई थी। तो सौरभ शमशेर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की है और कोर्ट में 26 जुलाई 2019 को पाए थे अंतरिम कोर्ट को आदेश दिया था, लेकिन यह कोर्ट में आदेश अब जो है पास हुआ है और हाईकोर्ट ने कहा है कि अब उनको उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो देखिए, देखते हैं कि यूपी 3SSC जो है इसकी कब तक ज्वाइनिंग देने की बात करता है, देखते हैं अभी कब तक ये इसको ज्वाइनिंग देने की बात करते हैं, कब तक ये दिया। और दो लेटरमेंट न्यूज़ में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक या दो दिन में ही आपकी ऑफिशियली वेबसाइट यूपी 3SSC में रिजल्ट को लेकर काफ़ी कुछ जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता जाएगा, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट को चेक करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।